त्रिनेत्र चुरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। चुरू विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रफीक मंडेलिया ने आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इससे पहले मंडेलिया ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके पश्चात कांग्रेस के चुनाव कार्यालय में विशाल जनसभा को संबोधित किया जाता था। शहर के मुख्य मार्गों से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। सभा में चूरू जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंद्राज खींचड़, रतनगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी पूसाराम गोदारा, पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया आदि उपस्थित रहे। हमने नामांकन भरा है, अब हमारी सभा होगी। सभा के बाद में जुलूस के रूप में हम यहाँ फार्म भरने के लिए वापस आएंगे और सभी हमारे कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों से भी अपील है कि आप सभा में आए, रैली को देखें और कांग्रेस जन को देखें। पूरी कांग्रेस एकजुट होके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और चूरू विधानसभा की पूरी कांग्रेस एक साथ है। रतनगढ़ में आज हजारों समर्थकों की उपस्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी राधेश्याम बबेरवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन से पूर्व राजकीय नेहरू स्टेडियम में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसे वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि मूल ओबीसी में स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने की आवश्यकता है। लंबे समय से मूल ओबीसी के नेता टिकटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इन समाज के लोगों की अनदेखी करता आ रहा है। वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय व्यक्ति को विजयी बनाना आवश्यक है। इसके पश्चात नामांकन रैली का आयोजन हुआ। ढोल ताशों के साथ हजारों कार्यकर्ता के साथ बबेरवाल मुख्य बाजारों से निकले तो कई लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। इसके पश्चात निर्वाचन कार्यालय में उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर अभिलाषा के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मेरे पूर्वज पिछले 75 साल से और मैं पिछले 25 साल से 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा हूँ, तो मेरे भी ये मन में पीड़ा है, मेरे भी इच्छा है कि मैं भी एक MLA, हर आदमी ये चाहता है कि भी उनको भी मौका मिले। और मेरी सोच तो ये है कि रतनगढ़ के हर नागरिक को, हर समाज को, हर समुदाय को ये मौका मिलना चाहिए। जयपुर गया था तो वो लगा नहीं आपको टिकट नहीं मिलेगी, तो मैंने पूछा हम लोगों को टिकट कैसे मिलेगी, तो मैं ठीक है भाई इनको आप लोगों को नहीं मिलेगी हरा के उसी हिसाब से मांग लेंगे फिर देंगे। तो मोटा मोटी ये है कि जनता का ये निर्णय रहा, मैंने इसका सर्वे किया कि मैं अगर इसमें आता हूँ, सर्व समाज की बात करता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ होते हो क्या, तो लोगों ने कहा कि ठीक है हम लोग सब साथ हैं उसी साथ। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बाहर के जो नेता है वो टिकट लेके आ जाते हैं, कोई बीजेपी के लेके आ जाता है, कोई कांग्रेस के लेके आ जाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, जाति भी बांट देते हैं, उस हिसाब से लोगों को करके राज करते हैं, खाली काम की कोई बात करता नहीं है। यहाँ पे जो मुद्दे हैं, मैं जो शहर के जो मुद्दे हैं उनकी कोई बात करता नहीं है, सिर्फ लोगों को जाति में बांट के राजनीति करते हैं। सरदारशहर से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार रेणवा ने आज रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व ताल मैदान से गांधी चौक तक नामांकन रैली निकाली गई, जो गांधी चौक में जनसभा के रूप में परिवर्तित हो गई। जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमारा उम्मीदवार कमल का फूल है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, हम सब नरेंद्र मोदी की फौज है। इस अवसर पर रतनगढ़ विधायक अभिनेश मैशी, JP दलाल, OBC मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष चंपालाल प्रजापत आदि मौजूद रहे। नामांकन के बाद भाजपा प्रत्याशी हरलाल सहार ने आज गाजसर, ढाणी मुनीम जी, बास घंटेल, पीथीसर, प्रेमनगर सहित अनेक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री डॉक्टर वासुदेव चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। वही रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अभिनेश मैशी ने भी आज क्षेत्र के गांव घुमांदा जाकर ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान मैशी ने गांव में करवाए गए विकास कार्यों सहित अन्य कार्यों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, भागीरथ सिंह राठौड़, हरिप्रसाद दायमा आदि उपस्थित रहे। राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में आज वनस्पति विज्ञान विभाग एवं प्राणी शास्त्र विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए आमंत्रित व्याख्यान का आयोजन किया गया।
मुख्य वक्ता राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के सहायक आचार्य डॉक्टर प्रवीण मोहिल ने विद्यार्थियों को नेट की तैयारी एवं विभिन्न क्षेत्रों में जॉब प्राप्ति के साधनों के बारे में बताया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर जेबी खान, प्राणिशास्त्र विभाग के प्रभारी संतलाल, वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रभारी मुकेश मीना आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ के गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर में युद्ध व सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन हुआ। संस्था प्रधान नेमीचंद साखला की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें द्वितीय परख में 100% अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं एवं अक्टूबर माह की मासिक सुरेख प्रतियोगिताओं की प्रतिभाओं सहित 56 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षिका नीतू, कंचन, आकांक्षा, आकाश सहित कई अभिभावक उपस्थित रहे। विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों के लिए चुनाव के दौरान जिले में नियुक्त पर्यवेक्षकों की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 3:30 बजे जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों सहित बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत जिले में नियुक्त व्यय पर्यवेक्षक हरिशंकर पी ने आज सादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के हरपालू व भांकरा तिराहा में एसएसटी दल, तारनगर विधानसभा क्षेत्र में न्यांगली बस स्टैंड, रविका रिसोर्ट चौराहा स्थित स्थानिक निगरानी दल तथा भालेरी में उड़न दस्ते का निरीक्षण कर निर्देश दिए। उन्होंने दल प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वाहनों की सूक्ष्मता से जांच कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा प्रत्येक गतिविधि पर सूक्ष्म नजर रखी जाए। जांच गतिविधियों के दौरान आम जन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। गौरतलब है कि निरीक्षण के समय तक 78 वाहनों का रैंडम निरीक्षण किया जा चुका था।